वो पागलपन ही तो था जब लगभग दो दशकों तक चांद के हर पहलू को जान लेने की चाहत में दर्जनों मिशन भेजने के प्रयास किए गए। एक दूसरे को कमतर दिखाने के लिए अमेरिका और सोवियत संघ दोनों एक एक साल में 10-12 मिशन लॉन्च कर रहे थे, वो भी लगातार मिल रही असफलताओं के बावजूद भी। अजीब प्रतिस्पर्धा थी दोनों के बीच, जो थमने का नाम नहीं ले रही थी। चांद को छूने और उसकी सतह पर उतरने के लिए रूस ने 23 सितंबर 1958 से 9 अगस्त 1976 तक करीब 33 मिशन भेजे, इनमें से 26 फेल हो गए। वही अमेरिका ने 17 अगस्त 1958 से 14 दिसंबर 1972 तक करीब 31 मिशन भेजे, इनमें से 17 फेल हो गए, यानी अमेरिका 45.17% मिशन को सफलता मिली, वही रूस को सिर्फ 21.21% सफलता मिली। रूस जहां तक तरफ चांद के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ऑर्बिटर, सतह पर उतरने वाले लेडर और सतह से टकराने वाले इंपैक्टर की तैयारी कर रहा था, वहीं एक कदम आगे बढ़ते हुए अमेरिका ने चांद पर इंसानों को पहुंचा दिया। आइए जानते हैं कि चांद पर कितने मानव मिशन पहुंचे और वह कितने सफल रहे। चांद पर कुल 6 मानव मिशन के जरिए 12 अंतरिक्ष यात्रियों ने कदम रखे। अमेरिका ने 1969 से 1972 के बीच 4 साल में चांद पर 6 मानव मिशन भेजे। कुल 24 अंतरिक्ष यात्री चांद तक पहुंचे, लेकिन 12 ही चांद की सतह पर उतर पाए। बाकी यात्री मदद के लिए ऑर्बिटर लेकर चांद के चारों तरफ चक्कर लगाते रहे। 3 ने दो बार चांद की यात्रा की। अपोलो 11, जब पहली बार चांद पर पड़े इंसानी कदम। 20 जुलाई 1969 को अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने ईगल नाम के लैंडर से अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग और बज एड्रिल को चांद की सतह पर उतारा था। वही उनके तीसरे साथी मिशेल कॉलिंस चांद के चारों तरफ ऑर्बिटर से चक्कर लगा रहे थे। नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहला कदम रखा, बज एल्ड्रिन ने अमरीकी झंडा लहराया। दोनों 21 घंटे 36 मिनट तक चांद पर रहे। इस दौरान 2 घंटे 31 मिनट तक वो यान से बाहर चांद की सतह सी ऑफ ट्रांकलिविटी पर रहे, चांद की तस्वीरें ली, मिट्टी और पत्थर के सैंपल लिए। अपोलो 12, पहली बार चांद पर भूकंप को रिकॉर्ड किया। 19 नवंबर 1969 को नासा ने इंट्रेपिड नाम का लैंडर से अंतरिक्ष यात्री चार्ल्स पीट कॉनरेड और एलन बीन को चांद की सतह पर उतारा था। इनके तीसरे साथी रिचर्ड गोर्डन चांद के चारों तरफ ऑर्बिटर उड़ा रहे थे। ये लोग जहां उतरे थे उसे ओशन ऑफ स्टॉर्म कहते हैं। इन अंतरिक्ष यात्रियों ने पहली बार चांद पर भूकंप को रिकॉर्ड किया था। ये लोग 1 दिन 7 घंटे 31 मिनट तक चांद पर रहे। इस दौरान दोनों 7 घंटे और 45 मिनट तक यान से बाहर रहे थे। अपोलो 14, चांद पर 2 गोल्फ बॉल छोड़कर आए थे। 5 फरवरी 1971 को नासा ने एंट्रेस नाम लैंडर से अमेरिकी एस्ट्रोनॉट एलन बी शेफर्ड और एडगर मिशेल को चांद की सतह पर क्रा माउरो नाम के स्थान पर उतारा था। चांद के चारों तरफ ऑर्बिटर को स्टुअर्ट रूसा उड़ा रहे थे। दोनों वैज्ञानिक चांद पर 1 दिन 9 घंटे 30 मिनट तक रहे थे। इस दौरान दोनों 9 घंटे और 21 मिनट तक यान से बाहर रहे थे। शेफर्ड सतह छोड़ने से पहले वहां 2 गोल्फ बॉल छोड़ आए थे। अपोलो 15, पहली बार चांद पर इंसानों ने खुद चलाया रोवर। 30 जुलाई 1971 को नासा ने फॉल्कन लैंडर से अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री डेविड स्कॉट और जेम्स इरविन को चांद की सतह पर हेडली रिले नाम के स्थान पर उतारा था। चांद के चारों तरफ ऑर्बिटर को अल्फ्रेड वर्डेन उड़ा रहे थे। दोनों वैज्ञानिकों ने चांद पर 2 दिन 18 घंटे और 55 मिनट बिताए। इस दौरान दोनों 18 घंटे 33 मिनट यान से बाहर रहे। डेविड ने चांद पर खुले कार जैसा दिखने वाला लूनर रोविंग व्हीकल चलाया था। अपोलो 16, पहली बार चांद पर 27 किलोमीटर चलाया गया रोवर। 21 अप्रैल 1972 को ओरियन लैंडर से अमेरिकी एस्ट्रोनॉट जॉन यंग और चार्ल्स ड्यूक को चांद की सतह पर
डेस्कार्टेस हाइलैंड्स नाम के स्थान पर उतारा गया था। इनके तीसरे साथी थॉमस मेटिंगली चांद के चारों तरफ ऑर्बिटर में चक्कर लगा रहे थे। दोनों वैज्ञानिकों ने चांद पर 2 दिन 23 घंटे और 2 मिनट रुके थे। इस दौरान दोनों 20 घंटे 14 मिनट यान से बाहर रहे थे। इस मिशन में चांद पर पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों ने 27 किलोमीटर तक रोवर चलाया था। अपोलो 17 चांद पर सबसे ज्यादा 75 घंटे तक रुके यात्री। 11 दिसंबर 1972 को चैलेंजर लैंडर से अमरीकी एस्ट्रोनॉट यूजिन सरनेन और हैरिसन जैक स्मिथ को चांद की सतह पर टोरस लिट्रो नाम के स्थान पर उतारा गया था। इनके साथ ही रोनाल्ड इवेंस ऑर्बिटर उड़ा रहे थे। दोनों वैज्ञानिक चांद पर 3 दिन 2 घंटे और 59 मिनट तक रहे। इस दौरान दोनों 22 घंटे 4 मिनट यान से बाहर रहे। चांद पर 30 किलोमीटर तक रोवर चलाकर सैंपल जमा किए। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में से कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद आई, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर एक इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू सो मच।